जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो क्यूआरएमपी डीलर्स हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ चुकी है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इशू ओपन किया है। ये इंफॉर्मेशन कह लीजिए या आप इसे कह लीजिए एक नोटिस। क्या है ये नोटिस, क्या लिखा गया है, सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं कि आपके ऊपर किस तरीके से अब ये जो है जंजाल बन सकता है और आपके पास क्या विकल्प है, क्या ये नोटिस जो है वो फैक्चुअली या लीगली करेक्ट है या नहीं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा विवरणिया, विवरणिया मतलब जीएसटी की रिटर्न्स दाखिल करने हेतु क्यूआरएमपी स्कीम का चयन किया गया है। क्या होती है क्यूआरएमपी स्कीम? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट्स। अगर आप इन सारी रिटर्नों के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं विद प्रैक्टिकल फाइलिंग, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी सेक्शंस अलोंग विद रूल्स जो है वो बताए जाते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें जो है कोर्स से रिलेटेड अपडेट कर दी जाए। अब आइए आगे कि आगे की कहानी क्या लिखी है कि क्यूआरएमपी स्कीम का आपने चयन किया गया है आपके द्वारा। विगत त्रैमास के विवरणियों की समीक्षा में ये पाया गया, यानी कि क्योंकि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो आपकी क्वार्टरली जो जीएसटी रिटर्न्स आपने भरी हैं उसको समीक्षा किया गया, उसको चेक किया गया और उसमें आपके द्वारा पाया गया कि आपके त्रैमास के प्रथम 2 महीनों में, जी हाँ फ्रेंड्स, पहले और दूसरे महीने में कोई भी कर का भुगतान नहीं किया गया एवं कर का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया गया है। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्यूआरएमपी की अगर बात करें, जो क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए क्या है प्रोविजन, क्या है लीगल प्रोविजन, जब आप सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 को तसल्ली से पढ़ेंगे और इस तसल्ली से पढ़ने के बाद जब आप नोटिफिकेशन 85/2020 पढ़ेंगे और उसको 143 के पैमाने पर तोल के देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। वो ये कि जो क्यूआरएमपी का डीलर होता है उसके लिए एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, रिटर्न तो उसे भरना है क्वार्टरली, यानी कि जब तीसरा महीना आ जाए, मान लो अप्रैल मई जून, तो जून एंड हो उसके बाद रिटर्न भरना है और टैक्स पेमेंट करना है। सवाल आता है पहले 2 महीनों के लिए M1 और M2। नोटिस ये कह रहा है कि क्यूआरएमपी के आधार पर प्रोविजन ये है कि आपको M1 और M2 में जो है मैंडेटरली टैक्स जमा करना है, आपने नहीं किया, अधिकांश लोग नहीं करते, तो क्या हो गया भाई, हमने क्या गुनाह कर दिया? अब आगे इसमें लिखा गया कि आपने M1 और M2 का टैक्स जमा नहीं किया, जो कि सर्कुलर नंबर 143 के आलोक में नियमानुकूल नहीं है, यानी कि एज पर प्रोविजन नहीं है, 143 का हवाला दिया गया। उपरोक्त अनियमितता हेतु आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जाए। यानी कि अब ऑफिसर्स ये चाह रहे हैं कि आपने चूंकि M1 और M2 में टैक्स जमा नहीं किया और आपने डिफॉल्ट किया है प्रोविजन का, तो 125 की जनरल पेनल्टी क्यों ना लगा दी जाए। ये है मां, तो भाई अगर आप M1 और M2 में टैक्स जमा नहीं कर रहे तो आप सतर्क हो जाइए, आपके पास भी अब 125 के पेनल्टी का जो नोटिस है, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है वो अब भेजी जा सकती है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसका लीगल प्रूफ, क्या मैंडेटरी है M1 और M2 में टैक्स जमा करना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि M1 और M2 के अंदर टैक्स तभी जमा होगा जब आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी उस महीने की बनती होगी और नोटिफिकेशन 85 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो पर्सन क्यूआरएमपी में गए हैं उनके लिए फर्स्ट और सेकेंड मंथ में और बर्थ मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर सच दैट द सेड पर्सन मे पे द टैक्स, इट इज नॉट मैंडेटरी। आपके लिए ये ऑप्शनल है कि आप अगर चाहें और टैक्स बनता है तो आप जमा कीजिए,
क्योंकि इसका जो टैक्स जमा होना है वो भी तो सिर्फ कैश लेजर में डिपॉजिशन होना है, इसका टैक्स पेमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्पेशल प्रोसीजर टैक्स पेमेंट के लिए कह दिया गया है। ये टैक्स डिपॉजिशन ही आपका टैक्स पेमेंट मान लिया जाएगा, तो इस बिना पे कि आपने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया कैश लेजर में 125 की पेनल्टी लग जाए, ये कहीं भी तर्क संगत जो है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है M1 और M2 का जो आप पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो मैकेनिज्म है, एक होता है फिक्सम मेथड, एक होता है सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म। तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हैं फिक्सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट में, तो आपको इन दो पैमानों को भी चेक करना होगा कि आप कौन से मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। अगर बनता है तो आपको करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो तो बन के आई। अगर आप फिक्सम मेथड में जा रहे हैं तब आप इंटरेस्ट से भी बचते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट में जाते हैं तो भैया जो आपका सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे टैक्स बना वो आप पे करिए, यानी कि कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनेगी, पेनल्टी बनने का सवाल यहां पर बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन अब नोटिस आएगा तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, तो इन नोटिसेस से बचने के लिए आप कोशिश ये कीजिए कि M1 और M2 के अंदर कुछ भी अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपका बनता है वो कैश लेजर में डिपॉजिट करवा, क्योंकि 125 के अंदर 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। हालांकि 126 यहाँ पर आपको बचा सकता है, क्योंकि वहां पर अलग तरीके से बातें लिखी। प्राइमा फेसी आप ये समझिए कि आपके लिए अब ऐसे नोटिसेस जो हैं वो भी ऑफिसर्स भेज सकते हैं, तो आप इन चीजों को अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और सतर्कता पूर्वक अपने प्रोविजंस को ध्यान से अच्छे से समझ करके जो है उसे अप्लाई करते हुए सारी चीजों को कंप्लाई। इसी चीज के लिए आपको ये जीएसटी कोर्स जो है वो बताया जाता है, जिसके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी लॉज एंड प्रोविजंस बताए जाते हैं। जीएसटी का रेगुलर अपडेट आपको रिक्वायर्ड है, हर महीने क्या चेंज हो रहा है। इस बार की हमारी जो टैक्स मैगजीन रिलीज होने जा रही है उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के साथ साथ जजमेंट्स आपको दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं, जिसमें मंथली आपको जीएसटी का और इनकम टैक्स का समावेशी एक अपडेट जो है वो। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, कोर्सेज के लिए, मैगजीन के लिए, जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकती हैं, जिसपे डायरेक्टली आप जीएसटी के रिलेटेड क्वेरीज कॉल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट। पहली बार आए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।